नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश राय। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्र की सरकार में परिवहन के मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अपने मन के भाव को व्यक्त किया था। ये भाव था कि वो राजनीति, जो अभी की राजनीति है, वो ऐसी हो चुकी है कि अब वो राजनीति से इतर अलग हो जाना चाहते हैं, राजनीति छोड़ देना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही एक बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आया है। ममता बनर्जी एक बार फिर इस बयान के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। इसकी असल वजह है उनके इस बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की तारीफ के बाद इस बयान के चलते ममता बनर्जी खूब चर्चा में हैं। लगातार इस बयान को लेकर के उनकी बात हो रही है कि आखिर अचानक से ममता बनर्जी का ये जो आरएसएस प्रेम है वो कैसे उमड़ करके आ गया है। दरअसल जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने आरएसएस को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा है कि आरएसएस इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस पे भी निशाना साधते हैं। मुद्दा कोई भी हो पर निशाना जो है वो आरएसएस तक पहुंचता है, क्योंकि भाजपा का मात्र संगठन के तौर पर उसको माना जाता है। इसलिए विरोधी दलों के निशाने पर जिस तरीके से भाजपा रहती है उसी तरीके से आरएसएस भी रहती है। ऐसे में ममता बनर्जी का ये बयान कि आरएसएस इतनी भी खराब नहीं है, उसमें अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से अलग सोचते हैं, यानी बीजेपी जो सोच रखती है उससे अलग सोचने वाले लोग हैं। और हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है उनके हिसाब से कि कभी ना कभी ये सब्र टूटेगा, यानी कि ये जो बीजेपी से अलग सोचने वाले लोग हैं वो अभी भले ही चुप हों पर कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा जब वो बोलेंगे, और ऐसे में हालात बदलने की बात जो इन्होंने पूरी कही है। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एक बहुत छोटी सी उनका क्लिप है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम जो उनके विपक्षी दल के नेता हैं वो भी उसको खूब शेयर कर रहे हैं, और इसी कारण वो सोशल मीडिया की सुर्खियों में ये वीडियो बना हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी पर उतने ही तीखे प्रहार भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कई सवाल किए हैं और लगातार उस पर खूब हमला बोला है। साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई भी टीएमसी की तरफ निशाना लगाएगा, कोई भी अगर जो तृणमूल कांग्रेस परिवार है यानी तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी लड़ाई भी अब बेहद मुश्किल हो चुकी है, और इसकी वजह है कि अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हो चुका है, भाजपा का वहां भी प्रभाव हो गया है। इस चलते कानूनी लड़ाई भी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती जा रही है और मुश्किल हो गई है। ममता बनर्जी ने इस बयान में कहा है कि उनकी जो पार्टी की है उनकी पार्टी की छवि को गंदा ना किया जाए, ख़राब ना किया जाए, अन्यथा वो किसी को छोड़ेंगी नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्हें अगर इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि राजनीति इतनी गंदी है, राजनीति अगर इस स्तर तक होती है तो वो फिर शायद कभी राजनीति में आती नहीं। उन्होंने राजनीति जो है वो किसी तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं घपले और घोटालों के, उससे इतर उन्होंने ये बात कही कि वो राजनीति में समाज सेवा के लिए आई हैं, बल्कि ना कि किसी तरीके के व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ के लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आई हैं, और अगर उनको इस बात का अंदाज़ा पहले होता कि राजनीति इस स्तर तक जाएगी और इतनी गंदगी राजनीति में होगी कि बात परिवार तक पहुंचेगी, उनके परिवार पर हमला किया जाएगा, परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो वो राजनीति में आती नहीं, राजनीति कभी का वो छोड़ चुकी होती। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जो एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो ना केवल बदले की भावना है बल्कि वो खुली हिंसा है। दरअसल ममता बनर्जी का ये जो बयान है वो तब सामने आया है जब अभी ईडी ने ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के सांसद भी हैं, उनको शुक्रवार को पेश होने के लिए नया सम्मन जारी कर दिया। ये जो सम्मन है वो ईडी ने अभिषेक बनर्जी को कोयला तस्करी वाले घोटाले के चलते किया है, जिसमें पहले भी इस संबंध में कई बार इस तरीके की खबरें आती रही हैं, और अब फिर से ईडी ने उनको नया सम्मन जारी किया जिसके हिसाब से उनको शुक्रवार को ईडी के सामने उपस्थित होना है। ऐसे में उनका ये बयान आता है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद नंबर दो माने जाते हैं, और
समन आने के बाद ममता बनर्जी के इस तरीके का बयान आने के कई राजनीतिक और कई सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। अलग अलग तरीके की चर्चाएं इसको लेकर के चल रही हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ें देखने में आई थी, जब खुद ममता बनर्जी एक तरफ राष्ट्र जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष के साझा उम्मीदवार की बात कर रही थी, जिसके अंतर्गत फिर यशवंत सिन्हा का नाम आता है जो खुद TMC में ही थे और TMC से इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। पर बाद में जब भारतीय जनता पार्टी NDA ने अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनको उनका नाम जब अनाउंस कर दिया तो ममता बनर्जी ने फिर कहा था कि अगर ये पता होता कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाने जा रही है तो ऐसे में वो उसका समर्थन करती। इसके बाद फिर जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने प्रतिभाग करने से मना कर दिया था, किसी भी पार्टी के फेवर में वो नहीं गई थी, जबकि उसके पहले वो बार बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करके और तमाम विरोधी दल के नेताओं से मिल रही थी। उस समय भी इसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठे थे ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी ने जिस समय ये बात कही थी, जिस समय राष्ट्रपति चुनाव वाली बातें हुई थी, उसके पहले उनके जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी उनके ऊपर छापा पड़ चुका था, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी बड़ी संख्या में कैश और वो जो शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ था उसको लेकर के। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपने बात में ये भी कहा है कि जो एक टीवी चैनल ने उनके ऊपर जमीन कब्जा करने का अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है, जबकि वो इस संबंध में कुछ जानती भी नहीं है। वो उन्होंने अपने घर का भी जिक्र किया कि वो जहाँ उनका वो और उनका परिवार रहता है वो लीज और किरायेदारी की जमीन है, कि वो लीज पर किरायेदार हैं और उस रूप में रह रहे हैं, उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि SCS की मीटिंग में मैंने चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने निर्देश दिया है इस चीज़ के लिए कि इस मामले की जांच करवाएं। इसके अलावा जो वो प्रॉपर्टी है वहां का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया जाए, ये बात खुद ममता बनर्जी ने कही है। यानी जो उनके ऊपर आरोप लगा है उससे वो किनारे कर रही हैं, दूसरी तरफ RSS की तारीफ भी कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जो निशाना साधा कि केंद्र की जो सरकार है वो जो राज्य को केंद्र से मिलने वाला पैसा है वो नहीं दे रही है, जो मदद है वो नहीं दे रही है, GST का जो हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का प्रचार करती है कि वो ममता बनर्जी सेटिंग करने के लिए गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी तरीके की सेटिंग करने नहीं जाती हैं और सेटिंग करने में वो सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, इन सबसे खूब पैसा आया और ये पैसा जो है वो काली घाट गया, तो उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि काली घाट की बात ना की जाए बल्कि उस व्यक्ति का नाम बताया जाए जहाँ तक पैसा पहुँचा, जो अंतिम गंतव्य काली घाट होने की बात कही जा रही है तो काली घाट की बात ना करके और ये बताया जाए कि किस व्यक्ति के पास अंतिम स्तर पे वो पैसा पहुँचा है। साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल भी कर दिया कि क्या आखिर ये पैसा काली घाट में किसी व्यक्ति के पास जा रहा है या फिर प्रसिद्ध काली माता मंदिर में जा रहा है, तो इस पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ये सवाल भी उठा दिए। अब जब इतनी सारे बयान आ गए, इतनी सारी सारी सुर्खियां हो गई, जब मीडिया की सुर्खियों में बयान आ गया तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं भी आनी थी। ममता बनर्जी के इस बयान पर AIMIM के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी उनका पलटवार आया, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, वो जो वीडियो है वो उन्होंने भी शेयर किया और अपने ट्वीट में लिखा कि वर्ष 2003 में भी ममता बनर्जी ने उस समय RSS को देशभक्त कहा था, फिर इसके बाद RSS ने उन्हें दुर्गा कहा था। RSS चूंकि हिंदू राष्ट्र चाहती है और RSS का इतिहास मुसलमान विरोधी यानी हेट क्राइम से भरा रहा है। 2003 के इस मामले का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। वहीं ओवैसी ने लगे हाथ ये भी कह दिया कि गुजरात के दंगे के बाद ममता बनर्जी ने संसद में BJP की सरकार का बचाव किया था। उन्होंने तंज कर साथ ही साथ लगे हाथ ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तंज भी कसा है और उन्होंने उनकी पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं उन पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि TMC के मुस्लिम नेता ममता बनर्जी की ईमानदारी को लेकर के और उनकी सराहना करेंगे। ये एक तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। अभी माना जा रहा है कि आने वाले अभी कुछ
वक्त में और भी तमाम दूसरे दलों के नेताओं के बयान आएंगे, इस संबंध में तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ सकती हैं। हालांकि अब एक ये बड़ा सवाल इन इस वीडियो के इस बयान के चर्चा में आने के बाद उठने लगा कि आखिर ममता बनर्जी का ये जो आरएसएस का प्रेम है वो अचानक क्यों जाग गया, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, आखिर क्यों ममता बनर्जी जो अभी लगातार हमलावर थी भारतीय जनता पार्टी पर, पीछे कभी आरएसएस पर भी बोल रही होंगी, तो ऐसे में आरएसएस के प्रति क्यों आखिर इतना उन्होंने सम्मान दिखाया और क्यों जिस तरीके से देश में अभी वर्तमान में तमाम आरएसएस को लेकर के कई सारी बहस चलती है कि आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या योगदान रहा, चाहे वीर सावरकर की बात हो या तमाम, ऐसे में आरएसएस के लिए ये जो बयान आया वो एक तरह से जहां आरएसएस के फेवर में जा रहा है वहीं ममता बनर्जी पर सवाल भी खड़े कर रहा है। देखना होगा कि इस सवाल के जवाब में क्या निकल करके सामने आ पाता है। धन्यवाद।